अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारा न्यूज़ चैनल में आप सभी भाई का स्वागत है। अभी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा सऊदी अरब का लेटेस्ट न्यू अपडेट। इंडिया से सऊदी 20 मई से जो फ़्लाइट आने वाला है उसके लिए एक नया रूल्स लागू हुआ, तो उसके बारे में बताऊंगा। अगर 20 मई का बाद से इंडिया से सऊदी अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो वीडियो आप शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सारा बात डिटेल्स में समझ में आए और आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे मेरे प्यारे भाई। चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सऊदी अरब का कोरोना वायरस का अपडेट, जो कि 11 मई का अपडेट है। आप देख सकते हैं सऊदी अरब के अंदर 999 न्यू केसेस निकले हैं, 1286 लोगों की रिकवरी हुई है, 13 लोगों की सऊदी अरब के अंदर मौत हुआ है। सबसे ज़्यादा केसेस रियाद के अंदर आप देख सकते हैं 352 न्यू केसेस, मक्का के अंदर 260 केसेस, ईस्टर्न के अंदर 120 केसेस, मदीना के अंदर 54 केसेस, असर के अंदर 50 केसेस। इस तरीके का कहो तो कोरोना का केसेस आज का डेट में निकला है। कहो तो पिछले 2-3 दिन से सऊदी अरब के अंदर कोरोना का केसेस में कुछ गिरावट हमें दिख रहा है। तो खासतौर पर अगर सऊदी अरब के अंदर जितने सारे हमारे प्यारे भाई अभी इस टाइम रहते हैं तो एहतियात बना के रखिए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर अभी धीरे धीरे इंशाल्लाह कुछ ही दिन में हालात क्योंकि सुधरने वाला है मेरे प्यारे भाई। चलिए अभी बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता है फ़्लाइट इंडिया से चल रहा अभी बहुत सारे देशों के लिए। आप देख सकते हैं अब इमारात ने 12 तारीख से लगा दिया प्रतिबंध एंट्री, यानी इंडिया से अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं इमारात में तो उन्होंने ख़ास तौर करके जो कि फ़्लाइट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि 12 तारीख से ये सिस्टम लागू हो जाएगा। तो आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इस टाइम इमारात के तरफ से यानी इमारात जा करके उसमें 14 दिन का क्वारंटाइन हो करके उसके बाद बहुत सारे कंट्री जो होते हैं उसमें वो लोग ट्रैवल करते हैं, तो इसके लिए आप जो कि सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी उसके ऊपर भी उन्होंने ख़ास तौर करके फ़्लाइट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, अभी आप वहाँ से भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ये अपडेट आया था ख़ास तौर पर हिंदी गल्फ न्यूज़ का स्क्रीनशॉट था, तो हमने आपको दिखा दिया। बाकी आपका आगे मर्जी, जो अपडेट आता है ख़ास तौर पर उनको हमारा देने के लिए आपका ऊपर हक है, क्योंकि जितने सारे खबर आता है तो खैर हम आपको पहुँचाते ही हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर है वो आपको खैर पहुँचा ही देता है, ऐसा खैर नहीं है। चलिए अभी बात करते हैं, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट कब चालू होगा, तो उसके लिए एक नया अपडेट लागू हुआ है और चालू हुआ है, जो कि 20 मई से चालू होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं लगाया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। बाकी अंग्रेज़ी में लिखा है, हिंदी में लिखा हुआ आगे आपको मिल जाएगा, तो वीडियो में बने रहिए। जैसे कि आपको पता है इंडिया से आने के लिए फ़्लाइट प्रतिबंध जो कि लगा के रखा है, और जिन सारे मुल्कों में अगर कोरोना अगर इस टाइम अभी है तो उन सारे देशों से फ़्लाइट यानी नहीं आएगा। लेकिन हज और उमरा करने के लिए इस साल के जो हज उमरा जो होगा 2021 का, उनके लिए ख़ास तौर करके ये ट्रैवल वाला उनको ही समझिए तो ज़्यादातर फ़ायदा होगा, और जितने सारे लोग अगर है फंसे हुए समझिए तो कुछ ही दिन में इंशाल्लाह इंटरनेशनल फ़्लाइट जो कि सऊदी अरब के लिए कहो तो खुल ही जाएगा। जैसे कि आपको पता है हज के लिए इस साल जो बहुत सारे लोग अप्लाई किए थे, तो खैर उसके लिए तो हम से तो गुड न्यूज़ है, क्योंकि 20 तारीख का बाद से उनके लिए फ़्लाइट जो चालू हो जाएगा उसके लिए एक नया रूल्स लागू होगा, जो कि आपको इसका पैसे ट्रैवल वाले से ही आपको ट्रैवल वाला ही आपसे लेगा, जो कि आपसे कुछ चार्ज या कुछ ज़्यादा लेंगे, उसके बाद फिर आपको सऊदी अरब भेजेंगे। यानी एक नया रूल्स लागू होगा, इंश्योरेंस जिसको कहता है, आपको 7 दिन का इंश्योरेंस दिया जाएगा, जो कि आप अगर किसी भी ट्रैवल वाले से अगर सऊदी अरब आते हैं तो उनसे आपको ख़ुद कांटेक्ट करना होगा। जैसे कि पहले आप अगर आते थे सऊदी अरब, बहुत सारे लोग अभी मान लो इंडिया में फंसे हैं तो इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़्लाइट कब से खुल जाएगा। जो 20 मई से जो फ़्लाइट खुलेगी सऊदी अरब के लिए, उसके लिए ख़ास तौर करके जैसे कि नया रूल से लागू होगा, और जो हज करने के लिए जो आएंगे तो उनके लिए भी ये नया रूल से लागू होगा। तो आपको 7 दिन का यानी इंश्योरेंस लेना होगा, जो कि आपको ट्रैवल वाला ही देगा। इससे आपको कोई तो खैर फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपका खर्चा में जो बजट आपका है उसमें आपको नुकसान हो सकता है, आपका कहो तो कुछ खर्चा ज़्यादा होगा। जैसे पहले लोग आ जाते थे सऊदी अरब ख़ास तौर करके 70 से 80 हज़ार के अंदर, अभी आपको मान लो 20,000 या 30,000 रुपये सऊदी अरब आने के लिए आपको ज़्यादा पड़ेंगे, जो कि 20 मई का बाद से ये आपके ऊपर समझिए तो खर्च का जो चार्ज बढ़ने वाला है। तो अभी सऊदी अरब आने के लिए जो लोग इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए ख़ास तौर पर अच्छी अपडेट है, 20 मई से कहो तो फ़्लाइट जो शुरू होने वाला है। अभी उसके लिए ख़ास तौर पर पूरी जानकारी नहीं आया है 20 तारीख से, यानी सारे जितने लोग इंडिया में जो फंसे हैं 20 तारीख से आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसके बारे में अपडेट नहीं है। लेकिन उम्मीद है
इंशाल्लाह, क्योंकि जिस तरीके से कहो तो कानून जो निकाल रहे हैं अभी सऊदी अरब के अंदर, खासतौर करके सऊदी गजट का स्क्रीनशॉट था, हमने आपको बता दिया, खासतौर पर सऊदी अरब के अंदर ही होगा, तो सऊदी गजट का स्क्रीनशॉट था तो हमने आपको बता दिया। जिस तरीके से अभी रूल्स जो लोग वो लोग लगा रहे हैं उस तरीके से अगर आप लोग देखते हैं तो खैर इंशाल्लाह कहो तो सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट खुल ही जाएंगे कुछ ही दिनों में, और 20 मई से जो फ़्लाइट खुलेंगे वो हाजी लोग आएंगे जो उमरा करने के लिए चाहेंगे वो लोग आ सकते हैं, उनके लिए ख़ास तौर करके ये फ़्लाइट होगा। बाकी 20 मई का बाद से जितने सारे इंडिया में लोग अगर फंसे हैं तो इंशाल्लाह कहो तो आप लोग अगर दुआ कीजिए, खैर अल्लाह से कहीं पर भी है आप लोग एहतियात से रहिए और दुआ कीजिए, इंशाल्लाह 20 मई का बाद से फ़्लाइट के ऊपर जो प्रतिबंध लगा के रखा है 20 मई का बाद से जो हट जाएंगे और हटा दिए जाएंगे, जितने सारे लोग अभी इस टाइम फंसे हैं आ जाते हैं तो खैर उनके लिए कहो तो गुड न्यूज़ होगा मेरे भाई। लेकिन अभी उनके बारे में कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया गया है, लेकिन आने वाला कुछ ही दिन में हो सके इंशाल्लाह। अभी मैं पक्की बात आपको मैं बता नहीं सकता क्योंकि कोई मेरे पास अभी प्रूफ है नहीं, प्रूफ इंशाल्लाह जिस टाइम आएंगे उस टाइम खैर जरूर इसी जरूर एक वीडियो बना करके जरूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इस टाइम फंसे हैं खासतौर पर सऊदी अरब के अंदर। लेकिन एक नया रूल्स जो लागू हुआ इंश्योरेंस जो कि उसके लिए अपडेट आया था तो हमने सोचा आप सारे भाई को बता दूँ, क्योंकि ये रूल्स अभी लगेगा ही और लगा हुआ रहेगा ही। अभी कभी भी किसी टाइम किसी भी तरफ से अगर सऊदी अरब आते हैं तो आपको ये इंश्योरेंस आपको लेना होगा, ये इंश्योरेंस बिना लिए हुए आप सऊदी अरब के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे हमारा भाई अभी मान लो बहरीन का रास्ते से सऊदी अरब आ रहे थे पहले, लेकिन अभी 20 मई का बाद से उनको भी इंश्योरेंस लेना होगा, जो कि उनका पैसे आपको खुद ही देना पड़ेगा और आपका समझिए तो खर्च कुछ ज़्यादा ही बढ़ने वाला है। तो इसका भी जो हिंदी में लिखा आप ख़ुद भी इसको देख सकते हैं, जो कि आपको 7 दिन का इंश्योरेंस लेना होगा, ख़ासतौर करके इंश्योरेंस लेने का बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हैं सऊदी अरब के लिए, और कोई कंट्री के लिए खैर नहीं है, ये ख़ासतौर करके सऊदी अरब के लिए ही है। तो आप लोग हो जाइए तैयार और हो जाइए सावधान, क्योंकि आपका खर्च बढ़ने वाला है, और कहो तो इतने सारे लोग अभी परेशान ख़ासतौर करके हैं ही, लेकिन ऊपर से खर्चे के पैसे जो बढ़ा दिए हैं अभी उन लोगों का क्या होगा मेरे भाई, अभी कुछ नहीं हो सकता है। अगर जिन सारे भाई अगर परेशान है अगर सऊदी अरब आने के लिए जिनका इकामा और वीज़ा वैलिड है तो किसी भी तरीके से तो खैर आ ही जाएंगे, ऐसा खैर नहीं है। लेकिन ये जानकारी खास तौर करके अच्छी अपडेट था, तो मान लो अगर 20 तारीख के बाद से जो कहीं से भी अगर सऊदी अरब के अंदर दाखिल होंगे लोग तो उनको आपको ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेना होगा, नहीं तो आप सऊदी अरब के अंदर दाखिल नहीं हो सकते चाहे किसी भी तरीके से। तो खैर उम्मीद होगा मेरे प्यारा भाई इस तरीके का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर ही करके जाइएगा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही लिख के जाइएगा।